लेसन नंबर 3 वैद्युत रसायन, ये तीसरे लेसन का 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कोलराउस नियम। कोलराउस नियम क्या है भाई? कोलराउस नियम है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। अर्थात कोई भी विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उसके आयनों के चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे हम बात करते हैं कोई विद्युत अपघट्य ए बी है, इसके जो आयन होंगे ए प्लस और बी माइनस होंगे। ए बी की जो अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है वो होगी ए बी बराबर अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैटायन और अनंत अनुता पर मोलर चालकता एन आयन के योग के बराबर होगी। यही है भाई कोलराउस नियम। कोलराउस नियम एक बार फिर सुन लो, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस नियम है। कोलराउस नियम के हमने अनुप्रयोग भी पढ़ लिया था, एक अनुप्रयोग हमने कर लिया था दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोल चालकता का निर्धारण हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे अभिगमनांकों के निर्धारण में। अभिगमनांक क्या है? किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का अभिगमनांक उस आयन के अनंत अनुता पर उस आयन की अनंत अनुता पर चालकता तथा अनंत तनुता पर कुल आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आ गई आपको? किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत अनुता पर चालकता तथा अनंत अनुता पर कुल आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखो आप अभिगमनांक बराबर अनंत तनुता पर आणविक चालकता बटे आयन की अनंत तनुता पर चालकता आयन की अनंत तनुता पर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। यह विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। अभिगमनांक क्या है भाई? अनंत तनुता पर आणविक चालकता आयन की अनंत अनुता पर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। आगे बात में यह है भाई अभिगमनांक क्या है? अनंत अनुता पर आणविक चालकता बटे इसको आप ब्रैकेट में लिखो विद्युत
अब गट्टे की अनंत तनुता पर चालकता। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हो, आयन की अनंत तनुता पर चालकता या विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता। कोलराउस नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो देखो, ये कोलराउस नियम अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर धनायन की चालकता प्लस अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होगी। धनायन का अभिगमनांक बराबर धनायन का अभिगमनांक बराबर इधर ऋणायन का अभिगमनांक। तो धनायन का अभिगमनांक क्या लिखोगे आप, धनायन का अभिगमनांक लिखोगे आप भाई लैम्ब्डा यानी अनंत अनुता पर धनायन की चालकता बटे अब विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर चालकता m यानी लैम्ब्डा m अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की चालकता और अनंत अनुता पर आयन की चालकता या आणविक चालकता। बात समझ में आ रही है भैया आपको, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपसे धनायन का अभिगमनांक क्या है। तो धनायन का अभिगमनांक क्या होगा, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। इसी तरह लैम्ब्डा इन्फ्रिंट यानी आप कहोगे इसे कि भाई अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात ऋणायन का अभिगमनांक कहलाता है। आगे बात समझ में आपको, एक बार फिर समझ लो आप, अभिगमनांक क्या है भाई, अभिगमनांक है विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत तनुता पर चालकता तथा अनंत तनुता पर कुल आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या कहोगे आप कहोगे भाई, इसको आप दूसरी तरह से भी और लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे देखो, इसी जगह लिखो आप, लिखोगे भाई आयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता बटे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता का अनुपात। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल भाषा में, बात समझ में आ गई। इसी तरह आप लिख सकते हो, देखो अभिगमनांक क्या है, आयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता बटे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता। इसी तरह देखो धनायन की हमने धनायन का अभिगमनांक निकाला है, तो धनायन का अभिगमनांक निकालने के लिए क्या करोगे आप, अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन की या धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। इसी तरह ऋणायन का अभिगमनांक ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बटे क्या लिखोगे, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात ऋणायन का अभिगमनांक कहलाता है, ऋणायन का अभिगमनांक कहलाता है। बात समझ में आ गई भाई आपको, ये इसका दूसरा अनुप्रयोग। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखो, आयन की मात्रा व आयनन स्थिरांक के निर्धारण में तीसरा अनुप्रयोग है, आयनन की मात्रा अल्फा तथा आयनन स्थिरांक
के निर्धारण में आयनन की मात्रा अल्फा तथा आयनन स्थिरांक के निर्धारण में के निर्धारण में लिखो इसमें कोलराउस नियम के अनुसार कोलराउस नियम के अनुसार आयनन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। आयनन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। भाई आयनन क्या है? भाई आयनन किसका पढ़ रहे हैं हम? विद्युत घटक का आयनन पढ़ रहे हैं हम। अब आयनन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है किसके द्वारा? कोलराउस के नियम के द्वारा। अब कोलराउस के नियम से आयनन की मात्रा कैसे ज्ञात की जा सकती है? भाई सीधी सी बात है, आपको पता है कि भाई किसी विद्युत घट्टे की जो अनंत अणुता पर मोलर चालकता है ना, वो आयन की मोलर चालकता पर निर्भर करता है। यानी जितना ज़्यादा आयनन होगा उतना ही उसकी अधिक मोलर चालकता होगी। जितना ज़्यादा आयनन होगा यानी आयन की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? चालकता होगी। ये आप पढ़ चुके हो पहले ही। तो आयनन की मात्रा बराबर सी सांद्रता पर मोलर मोलर चालकता बटे सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत अणुता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता आयनन की मात्रा क्या है भाई? इसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब इसका क्या लिखोगे आप? लिखो अल्फा बराबर सी एम स्क्वायर लेमड़ा सी एम बटे अनंत अणुता पर विद्युत घट्टे की मोलर चालकता। ठीक है भाई, इस तरह आप क्या लिखोगे इसको? लिखो आयनन स्थिरांक बराबर आयनन स्थिरांक के बराबर लिखो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। ये आयनन स्थिरांक आ गया है इसका। ये डायरेक्ट आपको इसमें ज़्यादा इसको निकालना नहीं, इसकी आपको इक्वेशन नहीं निकालनी, डेरिवेशन नहीं करनी इसकी, आपको डायरेक्ट इसको लिखना है। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अभी जाता है तो आपको ये डायरेक्ट लिखना है। ये 11th क्लास में आपको करा दिया जाता है, 11th क्लास के 7th लेसन पढ़ाया जाता है ये आपको। ठीक है भाई, कोलराउस नियम के अनुसार आयनन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। भाई कैसे ज्ञात करोगे? आयनन की मात्रा बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। सी सांद्रता पर मोलर चालकता यानी लेमड़ा सी एम बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता अनंत आयनन स्थिरांक के का निर्धारण कैसे करोगे? तो आयनन स्थिरांक के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटे वन माइनस अल्फा। तो अब समझो भाई, इसके तीनों अनुप्रयोग हो गए हैं। तो तीनों अनुप्रयोग समझ लो आप एक बार और फिर से। देखो हमने पढ़ा कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, और कोलराउस नियम का अनुप्रयोग पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण की चालकता
का निर्धारण, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटक चालकता निर्धारण, इसमें आपने पढ़ा एसटी कमल की मोलर चालकता निर्धारण। अब एसटी कमल की चालकता निर्धारण करने के लिए आपने तीन प्रबल विद्युत अपघट्य लिए, SCL, NaCl और CH3, COONa, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और एसटिक सोडियम एसिडेट, आपने तीनों ले लिए। अब इसके द्वारा आपने दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण किया था पहले अनुप्रयोग में, ठीक है। अब किया क्या था आपने कि आपको NaCl को इसमें से घटाना है, इन दोनों को जोड़कर यानी एक को और तीन को जोड़कर दो को उसमें से घटा देना है, ये आपको मैंने करके बता दिया। आगे मैंने पढ़ाया आपको दूसरा अनुप्रयोग, इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या है, इसका इसका दूसरा अनुप्रयोग है आयनों का अभिगमनांक, आयनों का अभिगमनांक। अब आयनों का अभिगमनांक क्या है कि किसी 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 विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का अभिगमनांक, अभिगमनांक उस आयन के अनंत तन्वता पर चालकता बटे विद्युत अपघट्य के अनंत तन्वता पर मोलर चालकता का अनुपात होता है। तो क्या लिखोगे आप, देखो अभिगमनांक बराबर आयनों की आणविक चालकता, आणविक चालकता बटे बटे आपने क्या पढ़ा विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता, अनंत तन्वता पर मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। देखो अनंत तन्वता पर मोलर चालकता आप जानते हो कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यानी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता क्या होती है, लैम्डा इन्फिनिट एम। देखो फिर यहाँ पर आपसे कहें कि धनायन, धनायन की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता ज्ञात करो या उसका अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक बराबर धनायन का अभिगमनांक क्या लिखोगे, लैम्डा इन्फ्रिंट यानी धनन की मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। इसी तरह ऋणायन की ऋणायन का अभिगमनांक, अभिगमनांक बराबर ऋणायन का की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। ये हो गए दो अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है भाई आयनन, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अल्फा व आयनन स्थिरांक के निर्धारण में, के निर्धारण में, के निर्धारण में, के निर्धारण में क्या लिखोगे आप, देखो आयनन की मात्रा कोई भी विद्युत अपघट्य है उसका क्या होगा, आयनन होगा। और ये भी आपको पता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य, किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनन पर निर्भर करती है, जो विद्युत अपघट्य अधिक आयन बनाएगा उसकी चालकता भी अधिक होगी, उसकी चालकता भी अधिक होगी और उसके आयनन की मात्रा भी अधिक होगी। जैसे हम कहें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो आयनन की मात्रा है वो ज़्यादा होगी, तो आप क्या लिखोगे, सी सांद्रता, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य की अनंत तन्वता पर मोलर चालकता का अनुपात, ये है आयनन की मात्रा। तो लिखोगे आप आयनन की मात्रा अल्फा बराबर सी सांद्रता, तो लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिट एम, यानी सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तन्वता पर मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, आयनन की मात्रा कहलाती है। इसी तरह
आप लिख सकते हो के निर्धारण में, इसके निर्धारण में क्या करोगे आप, सी एल्फा स्क्वायर अपॉन सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा, ये इसके आयनन स्थिरांक का निर्धारण हो गया भाई। इसके नीचे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल कर लेना आप, यानी सांद्रता को आप एल्फा स्क्वायर के मान से गुणा कर देना, उसके नीचे वन माइनस एल्फा का भाग दे देना। ये है कोलराउस नियम। एक बार ध्यान से समझ लो इसको, एक बार और देखो। आपको मैंने कोलराउस नियम आपको मैंने छठे वीडियो में पढ़ाया। कोलराउस नियम को मैंने आपके छठे वीडियो में पढ़ाया, ठीक है। कोलराउस नियम क्या है भाई? कोलराउस नियम क्या है? किसी विद्युत अवगट्टे की अनंत तन्नुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है, ये होता है कोलराउस नियम। और कोलराउस नियम जो एग्जाम में आता है वो किस नाम से आता है? स्वतंत्र आयनों के अभिगमन से, यानी कोलराउस का स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम समझाइए। ये आता है एक नंबर में। और इसके साथ ही आ भी सकता है कोलराउस नियम के संबंधित अनुप्रयोग और उसके न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल इस लेसन के इसी कोलराउस नियम के न्यूमेरिकल इसी लेसन में करा दिए जाएंगे आपको आगे। तो कोलराउस नियम के जो अनुप्रयोगों में तीन हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग है भाई? तीन, दुर्बल विद्युत अवगट्टे की मोलर चालकता का निर्धारण। दूसरा अनुप्रयोग है अभिगमनांक, आयनों का अभिगमनांक का निर्धारण। और तीसरा अनुप्रयोग है आयनन की मात्रा तथा आयनन स्थिरांक के का निर्धारण करने में, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको मैं करा देता हूँ। आणविक चालकता तो होगी, ये मोलर चालकता ये, ठीक है चलो कराते हैं। तो लिखो, न्यूमेरिकल आपके नोट्स में ही है, दे रखा है, न्यूमेरिकल नोट करो। न्यूमेरिकल है 0.1 मोलरता CH अम्ल विलयन की निश्चित सांद्रता पर मोलर आणविक चालकता कितनी है भाई? 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है तथा अनंत तन्नुता पर मोलर चालकता अनंत तन्नुता पर मोलर चालकता 0.52 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है, तो इसके लिए आयनन स्थिरांक तथा आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। यहाँ आपका है
तो आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप? तो आयनन की मात्रा, भाई आयनन की मात्रा क्या है? आयनन की मात्रा है सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो आपका सूत्र दे रखा है सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी भाई? विद्युत अवघट्य की। विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो सी सांद्रता पर मोलर चालकता क्या है भाई इसकी? इसकी है 0.49 बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी हुई है 0.552। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे आप तो यह आ जाएगा 0.94। कितना आएगा भाई? 0.94 आ जाएगा ये। अब के स्थिरांक निकालोगे आप तो ये तो क्या आ गया? अल्फा का मान आ गया। स्थिरांक का जो सूत्र वो है आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो के सॉरी सी का मान सांद्रता कितनी है? सांद्रता पर मोलर चालकता है 0.1 बटे बाद में लिखो, पहले गुणा करो इसको इससे 0.94 का स्क्वायर से। ठीक है, कर दिया। बटे वन एक मिनट सो जीरो पॉइंट वन इंटू 0.94 बटे 0.52। कैलकुलेशन करो इसको तो ये आपका आ जाएगा 9.4 बटे 52, 9.452 94/520 यह आ जाएगा आपका 0.147। ठीक है, कैलकुलेशन